जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है अप्सरा सिद्धि साधना। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट के हिसाब से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत दिन से मेरे व्यूअर्स मुझे बोल रहे हैं, गुरु जी अप्सरा सिद्धि साधना के बारे में वीडियो बनाइए, परिसाधना के बारे में वीडियो बनाइए। तो इसके लिए ही मैं सोचा ये साधना अनुष्ठान कैसे होता है, सहज है, कठिन है, संभव है, असंभव है, कैसा है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ जितना मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये आज का अनुष्ठान है मेरा। वीडियो को आप लोग के लिए ये वीडियो है, इसलिए वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए। आप लोग कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, कुछ बनावटी प्रयोग, कुछ मिलावटी प्रयोग, कुछ मिलावटी सब्जेक्ट मैं अपने चैनल में नहीं लेके आता हूँ। जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट आप लोगों को मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेगा, मेरा अनुष्ठान, मेरा प्रचेष्टा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास वो वीडियो तुरंत पहुँचे। चलिए मैं आज का अनुष्ठान शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो अप्सरा साधना सिद्धि जो प्रयोग है, ये प्रयोग ज़्यादातर अप्सरा अपने सनातन हिंदू धर्म में तंत्र में इसको सुंदरी कहा गया है। ये अप्सरा साधन सिद्धि इतना सहज नहीं है, कठिन साधन प्रणाली है, कठिन पंथा है। इसका अनुष्ठान जो मंत्र का होगा कम से कम 1,25,000 जाप, जो पद्धति के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा उसका अनुष्ठान 1,25,000 जाप में सिद्धि होता है। समझ सकते हैं 1,25,000 जाप, मंत्र भी बहुत बड़ा है, 1,25,000 जाप में इस मंत्र का सिद्धि होगा। कोई कोई ऐसे भी प्रयोग है, शास्त्रकारगण कोई कोई ऐसा प्रयोग भी बताए जिसमें आप लोगों को यंत्र अंकन पूर्वक उस यंत्र के ऊपर ही देवी का पूजा अर्चना करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए एक विनियोग बता रहा हूँ, विनियोग को समझे उसके बाद आप लोग प्रयोग भी संपूर्ण समझ जाएंगे। ऋषादिन्यास भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, अंगोन्यास, ऋषादिन्यास एवं अप्सरा न्यास भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा बताऊँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग समझदार है, समझ लीजिएगा कितना कठिन ये प्रयोग है, आगे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो शास्त्र ने बोला कि विनियोग कैसे होगा। अश्व श्यामा लघु मंत्रोस्व मदन ऋषि निचित छंद गायत्री छंद देवी श्यामालघु ओं बीजं स्वाहा शक्ति ममाखिलोभीष्ट सिद्ध है जप विनियोग। समझ सकते हैं, संपूर्ण अलग विनियोग का छंद भी अलग है, प्रयोग भी अलग है, देवी देवता भी अलग है। अभी ऋषादि न्यास कैसे हो रहा है। ऋषादि न्यास बोल रहा है, ओम मदन ऋषि शिरोसे नमः निचित गायत्री छंद नमो मुखे देवी श्यामा लघु देवता वही नमो हृदय ओं स्वाहा नमो गुज्जे स्वाहा शक्त नमो पादये विनियोग नमो सर्वांगे। अभी विनियोग तो विनियोग के बाद तो मैं अंगोन्यास आपको बोल दिया, इसके बाद है रत्नादि न्यास है, ये भी मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मैं हर समय आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी अनुष्ठान अगर करने के लिए जाते हैं, मैं आप लोग को सीधा इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं था, आप लोग समझिए विषय को, बोलने का क्या जरूरत है। मैं आप लोग को बोलता ये मंत्र है, ये यंत्र है, ऐसे करो सिद्धि हो जाएगा, कुछ भी सिद्धि नहीं होगा, कुछ भी लाभ आप लोग को फायदा नहीं पहुंचेगा। इसका एक मतलब करने संपूर्ण शास्त्र में विधि पद्धति दिया गया है, ऋषादि न्यास, अंगण न्यास, करण न्यास, ठीक है, गुज्जोब न्यास, ठीक है, मातृका न्यास, ये सभी प्रकार का न्यास शास्त्र में दिया गया। ये प्रयोग में तो और भी अलग प्रकार का न्यास दिया गया। न्यास अभी आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, न्यास के ये तो न्यास मूल विषय में डायरेक्ट अंदर में घुस गया, लेकिन न्यास करने से पहले भी कुछ विधि है, उसके बाद भी कुछ विधि है, आप लोगों को ये कैसे जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं हर समय आप लोगों को बोलता हूँ, अगर तंत्र सीखना है, अगर तंत्र सब्जेक्ट को आप लोग प्रेम करते हैं, आप लोग अगर सही कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ओरिजिनल कुछ जानना चाहते हैं, तो सही मेथड को आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, सही जगह पे आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जाकर सही जगह पे सीखिए। 2-5 रुपये या 10 रुपये का इंद्रजाल का किताब लेकर आप लोगों को कुछ भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगा, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आप लोगों को लगेगा तंत्र एकदम बेकार सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा असलियत में ऐसा नहीं है। मैं जो लोग मेरे साथ बात किए हैं, बात करते हैं, सब लोगों को मैं यही सलाह परामर्श देता हूँ, ओरिजिनल जेन्युइन किताब पढ़िए, पुराण पढ़िए, ओरिजिनल राइटर का किताब पढ़िए, कोई मिक्सिंग किताब मत पढ़िए।
यहां से कुछ लिया, वहां से कुछ लिया, इधर उधर से खिचड़ी टाइप का बनाने वाला किताब मत पढ़िए। उसमें रंग चढ़ाकर आप लोगों को एक भ्रमित करने के लिए, आंख में एक भ्रमित करने के लिए सब्जेक्ट बनाया गया है। वो सब किताब पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। संत महापुरुष का जीवनी पढ़िए। संत महापुरुष का जीवनी पढ़ने से आप लोगों को महसूस होगा कितना कठिन तपस्या करके कितना समय आप उन लोगों के लिए लगाया है। एक साधन अनुष्ठान करने के लिए आप लोगों को क्या लगता है इतना सहज है? कोई भी अनुष्ठान आप लोगों को बता दिया, अनुष्ठान सिद्धि प्राप्ति हो गए। शास्त्र में तो बोला गया 1,00,000 मंत्र जाप से, शास्त्र में तो बोला गया 1,00,000 मंत्र जाप से आप लोगों को सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। तो 1,00,000 मंत्र जाप करके देखिए तो आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाता है कि नहीं, उसके बाद क्या आपको लोग लगता है 1,00,000 मंत्र जाप कर लिए सिद्धि प्राप्ति नहीं हुआ तो मंत्र भूल है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के रखा हो वशिष्ठ का कामाख्या साधन के बारे में, तारा साधन के बारे में, नीलाचल पर्वत में। तो वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखिए, उसमें महामुनि वशिष्ठ ने कितना सालों तक तप किया था, उसके बाद भी साधन में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, तब जाकर सही पंथा पिता के आदेश के निर्देश, पिता के निर्देश के अनुसार सही पंथा को अवलंबन पूर्वक महामुनि वशिष्ठ को माँ तारा का सिद्धि प्राप्ति हुआ। इसलिए सही चीज अगर आप लोगों को जानना है, सही पंथा आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तांत्रिक को भी वर्तमान में नया जन्म ग्रहण करते हुए मैं देखा हूं, जो तांत्रिक एक ध्यान तो बिना देखे पाठ नहीं कर पाएगा, अप्सरा साधना क्या करेगा वो? अप्सरा साधना अगर किसी को ऐसे तांत्रिक को बोले कि आप शमशान भूमि में जाकर आप लोग थोड़ा अनुष्ठान करके दिखे रात के 12 बजे के बाद, तो पेंट में मुद देगा वो तांत्रिक है। वो सज धज के चेयर में बैठकर तंत्र का सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान करता है। ना कोई परंपरा है, ना कोई कुल है, ना कोई जीवन में कभी गुरु भी किए है। ये सब छोटा मोटा किताब देखकर आप लोगों को डायलॉग बाजी करने के लिए आ जाता है। ओरिजिनल अगर आप लोगों को चीज जानना है तो बाबा के साथ संपर्क बनाइए, बाबा को बोलिए मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे कुछ करके दिखाइए, मैं अनुष्ठान आप अनुष्ठान करेंगे, मैं सामने बैठ के देखूंगा। तब बाबा बोलेगा हेलो 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 हेलो, फोन आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से बोलने का मतलब, एक बार अप्लाई करके जरूर देखिए। तो आगे मैं आप लोगों को और भी एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जो मातृका न्यास है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मातृका न्यास है। देखिए इसमें बोला गया है ओम स्खांग ब्राह्मी कर्णकावई नमो मूर्धि ओम इं ओम ओम इं कला माहेश्वरी कर्णकावई नमो बामांगे ओम ह्रां कौमारी कर्णकावई नमो नाभो, ऐसे इत्यादि। बहुत लंबा है, मैं छोटा करके बोला। अभी बोल रहा है अप्सरा न्यास, ये और भी इंटरेस्टिंग है अप्सरा न्यास। इसमें बोला गया ओम क्लिंग उर्वशी कर्णकावई नमो मूर्धि ओम क्लिंग मेनकावई कर्णका ओम क्लिंग मेनकावई ओं क्लीं मेनका कर्णकावई नमो ललाटे ओं क्लीं रंभा कर्णकावई नमो दक्षिण नेत्रे ओं क्लीं घृताची कर्णकावई नमो वाम नेत्रे इत्यादि। ये जो न्यास है, ठीक है, न्यास करने का जो सिस्टम शास्त्र में बताया गया है, मैं तो आपको पढ़ के सुना दिया, आप लोग को समझे नहीं। ये सी चीज जानने के लिए, समझने के लिए आपको गुरु चाहिए। अभी और एक विशेष बात है जो आपको कोई नहीं बताया, गारंटी के साथ मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये आप लोगों को कोई नहीं बता, आपको बताएगा अप्सरा, योगिनी, यक्षिनी, भूतिनी, नागिनी, पिशाचिनी, आप लोगों को माँ के रूप में आप लोगों के पास आ सकता है, बहन के रूप में आप लोगों के पास आ सकता है, पत्नी के रूप में आप लोगों के पास आ सकता है। ये तो साधारण बातें हैं, ठीक है, साधारण बातें हैं। अगर बहुत सुंदर एक कन्या को, बहुत सुंदर एक रमणी को आप अपने सामने देख लिए, तो अच्छे अच्छे लोगों का नियत बदल जाता है। तो आप और मैं तो बहुत साधारण एक इंसान हूं, कैसे उस सुंदर रमणी को मैं मातृका का रूप में पूछ सकता हूं? सोचिए विषय को सोचिए। बोलने में कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। असलियत बहुत अलग होता है, जैसे हाथी का जो दांत है ना, कहावतन हाथी का जो एक दांत है, दिफा दिखाने का अलग है, चबाने का अलग है, बात भी इसी में ये बात है। मैं बोल सकता हूं ऐसे भी आप लोगों को दिखेगा, मैं देखता हूं और हंसता हूं, इतर लगाओ, सुंदर सेंट लगाओ, योगिनी यक्षिणी आएगा, सेंट से मोहित हो जाएगा, क्या सब बकवास जो चलता है, ये सब बकवास का कोई मूल अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर मातृ रूप से आप योगिनी यक्षिणी सुंदरी अप्सरा को आप अगर भजते हैं, बाई चांस अगर आ गया, आप अपना कामना बसना को कंट्रोल कर सकते हैं? सोच कर पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए, उत्तर आपके मन ही आपको देगा। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपका भयंकर परिस्थिति अनिवार्य है।
सीधा मेंशन किया गया, भयंकर परिस्थिति अनिवार्य है। 125,000 जो जाप अनुष्ठान आप लोगों को करना है वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक आपको अनुष्ठान करना है, सीधा शास्त्र में उल्लेख है। उसके बाद विशेष कई प्रकार का मुद्राएं इस अनुष्ठान में अप्लाई किया जाता है, योगिनी, यक्षिनी, भूतिनी, नागिनी, उसके बाद कात्यायनी, ये जब जो भी साधना जो भी साधन प्रणाली, इसमें कई प्रकार का मुद्राएं इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से कुछ मुद्रा के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले वज्र मुद्रा, क्रोध मुद्रा, बारुणी मुद्रा, पताका मुद्रा, धेनु मुद्रा, तैलोक्य आकर्षणी मुद्रा, तैलोक्य वशीकरण मुद्रा। वशीकरण शब्द का अर्थ वशीकरण हो जाता है, कभी कभी ऐसे सुनता हूं वशीकरण, उशीकरण, ऐसा कुछ भी उठपटांग कुछ भी शब्द बोलते हैं, तो शब्द में ही भूल बोलते तो क्या अप्सरा साधन नहीं लोग सिखाएगा। तो ये कुछ प्रकार का मुद्रा है, जैसे वायु मुद्रा है, ईशान मुद्रा है, ठीक है। ये जो सभी मुद्रा है, सिद्ध आकर्षण मुद्रा, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण वाइटल मुद्रा है, सिद्ध आकर्षण मुद्रा। ये मुद्रा आपको कहां से मिलेगा? आज तक कभी सुने हैं जे अप्सरा साधन में, योगिनी साधन में मुद्रा का उपयोग? मुद्रा एक विशेष टेक्निक है, देवता को आकर्षण, देवता को प्रीति लाभ करने के लिए विशेष टेक्निक है। आप लोग कोई भी गुरु से पूछ लीजिए, आपके गुरु अगर है अब गुरु से पूछ लीजिए, गुरु जी मुझे एक बाबा जी ने ये बताया मुद्रा एक देवता को आकर्षण करने के लिए विशेष टेक्निक, विशेष पद्धति है। आपका गुरु भी मेरे साथ सहमत होगा और बोलेगा हाँ, जो बाबा जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। मुद्रा से देवता प्रीति लाभ होता है, देवता खुश होता है। और त्रैलोक्य आकर्षण जो मुद्रा है, वो मुद्रा से देवता बहुत जल्दी साधक के पास खींचा चला आता है, इसलिए त्रैलोक्य आकर्षण मुद्रा बोला गया है, त्रैलोक्य वशीकरण मुद्रा बोला गया है। ये सब मुद्रा का अप्लाई आप लोग कैसे कर पाएंगे अगर आप लोग अनुष्ठान नहीं सीखेंगे? मंत्र बोलने से नहीं होता है, अनुष्ठान का विधि संपूर्ण जानना पड़ता है, अनुष्ठान का विधि संपूर्ण सीखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के लिए जितना मैं सोचा, मेरे से जितना बना, मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। साधन प्रणाली, अगर कोई अप्सरा साधन प्रणाली आपको सीखना है, आपका उद्देश्य अगर है अप्सरा साधन आप सिद्धि करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होगा, आप लोगों को अप्सरा घुमाने के लिए पर्वत लेके जाएगा, आसमान में घुमाने के लिए लेके जाएगा, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ये सब बातें के ऊपर विश्वास और भरोसा करके अपना समय और जीवन व्यर्थ ना कीजिए। ये सब को छोड़कर कोई एक विशेष महाविद्या को लेकर, कोई एक देव को लेकर या देवी को लेकर अनुष्ठान कीजिए, इससे आपको परमार्थ का प्राप्ति होगा। योगिनी, नागिनी, भूतिनी, पिशाचिनी, ये सब से कुछ भी आप लोगों को प्राप्ति नहीं होगा। जिस देवता का आप लोग भजना करेंगे उसी देवता का आकार आप प्राप्ति होंगे। पिशाच का साधना करेंगे तो पिशाच आकृति प्राप्त होंगे। अगर माता कालिका का अगर साधना करते तो माता कालिका के जैसा आपका चरित्र होगा, माता कालिका का जैसा रूप आपका होगा। जिसका जैसा भाव उसका वैसा ही लाभ है, मैं बार बार आपको लिए ये बोलता हूं। और मैं एक अपना वीडियो बना के भी बोला हूं, ये उसमें भी सीधा यही उल्लेख है, चुंडी में जंग जंग चिंता है कामं तंग तंग प्राप्ति निश्चितम। जैसा जिसका चिंता है उसको वैसे ही फल प्राप्ति होगा। पिशाच के बारे में सोचो तो पिशाच प्राप्ति होंगे। भूतिनी के बारे में सोचो, भूत के जैसा आप लोग का चरित्र हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं इंसान होते हुए भी पिशाच साधना, भूत साधना, ये सब साधना करके क्या लाभ? अगर एक महाविद्या आपका सिद्ध हो गया, अगर इष्ट देवी आपका प्रसन्न हो गया, अगर देवादिदेव महादेव आपसे प्रसन्न हो गया, अगर भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो गया, तो हर सिद्धि आपके करतलगत होगा, यानी कि आपके हाथ के अंदर होगा। अष्ट सिद्धि नव सिद्धि, ये जो भी सिद्धि है आपके हस्तगत होगा। आप कोई भी महापुरुष का जीवनी देखिए, कोई भी महापुरुष आज तक पिशाच साधना सिद्धि नहीं किए, एक विशेष देवी देवता को पकड़ के वो महापुरुष चले हैं। और आपको ये छोटा मोटा किताब में 2-5-10 रुपए का इंद्रजाल आदि किताब में आप लोगों को दिखेगा, ये सिद्ध कर वो सिद्ध, ऑटोमेटिक ये सिद्ध होकर आप लोगों के पास आएगा। चलिए वीडियो ऑन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो मैं जितना आप लोगों को समझने मैं सकता था आप लोगों को समझा, आगे आप लोगों का मर्जी। यह अनुष्ठान करने के लिए आप लोगों को विशेष एक शुभ तिथि से अनुष्ठान करना पड़ेगा। मंत्र पद्धति जितना हो सकता है मैं बता सकता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम में, मैं बताने का कोशिश किया, और बाकी चीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ये साधन पद्धति अनुष्ठान करने के लिए 1,25,000 मंत्र का जाप करना है। एक विशेष शुभ तिथि से 1,25,000 मंत्र जाप करने के लिए आप लोग बैठे, इधर फितर लगाने का शास्त्र में कोई विधि तो है नहीं। साफ सुथरा नहा धोकर आप लोगों को अनुष्ठान के लिए बैठना पड़ेगा। अनुष्ठान का बाकी जो सिस्टम पद्धति है वो बताने का मेरा वो मैं बता नहीं सकूंगा, का इसमें शास्त्र में सीधा उल्लेख है।
हर चीज को बताना संभव नहीं है कि जो मेरे से रह गया वो अपने गुरु जी से आप पूछ लीजिए। मंत्र नीचे रहेगा, साधन प्रणाली साधन पद्धति रात के 12 बजे से इस अनुष्ठान को आप लोगों को शुरू करना पड़ेगा। 1,25,000 मंत्र आप लोगों को जाप करना है। कैलकुलेशन लगा लीजिए, 1,25,000 मंत्र आप कितना दिन में समाप्त करेंगे, 21 डेज, 31 डेज, 41 डेज, या 11 दिन में या 10 दिन में आप लोग समाप्त करना है। कैसे किस हिसाब से समाप्त करेंगे, समाप्त करने के बाद दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश अभिसिंचन, दशांश 10% ब्राह्मण भोजन जरूर करवाए, उसके बाद ही मंत्र का आप लोगों को फल मिलेगा। अनुष्ठान बहुत कठिन है, बहुत शक्ति लगता है अनुष्ठान को करने में, बिराचारी तांत्रिक पंथा से अनुष्ठान को करना पड़ता है। सोच समझ कर आगे बढ़िए, गुरु का निर्देश गुरु का आदेश लेकर ही अनुष्ठान में आगे बढ़िए। किसी का कहना मानकर अनुष्ठान कभी मत करें। आप लोग को ढकेलने वाला पब्लिक बहुत ज्यादा मिलेगा, हाथ पकड़ कर खींच कर उठाने वाला पब्लिक कोई नहीं मिलेगा। यह ध्यान में रखते हुए मैं शायद ऐसा इंसान हूं जो आप लोगों को बार बार यह बताता हूं, कोई भी किसी के चक्कर में मत पड़ के अप्सरा भूतिनी पिशाचिनी नागिनी साधन करने का जरूरत नहीं है। ये सब आकर आप लोगों को पैसा नहीं देगा, बार बार मैं बोलता हूं ये सब आकर आप लोगों को पैसा नहीं देगा, आपका जीवन और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिक का जीवन व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया, ये सब साधन अनुष्ठान करते करते अपनी आंखों से अपना मैं देखा हो। ऐसे तो अभी बहुत सारे लोग मैं देखता हूं जो बोलता है प्रैक्टिकल में करके देखा, अपना साधन सिद्धि अनुभूति में आप लोगों से शेयर करो। साधन सिद्धि अनुभूति कोई मूर्ख ही किसी के साथ शेयर करेगा, साधन सिद्धि अनुभूति अपना अनुभूति किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, अपना अनुभूति एकमात्र गुरु अपने चेले को ही बता सकता है। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में कभी अपना आत्मिक अनुभूति साधन सिद्धि के बारे में कभी नहीं बता सकते, लेकिन अभी वर्तमान समय में साधन सिद्धि का अनुभूति शेयर किया जाता है। ऐसा अनुभूति है, ऐसा आसमान से गिरा, ऐसा किया, ऐसा आंख लाल होकर दिखा मैं, ऐसा बहुत सारे हवा आया, पत्ता हिला, पेड़ उड़ के चला गया, ऐसा बहुत सारे काल्पनिक। हर रोज साधक के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट, कुछ ना कुछ घटना होता है। तो आप लोग को अगर विश्वास करना है तो बेझिझक आप लोग विश्वास कीजिए। मेरा कर्तव्य बनता है, मैं गुरु हूं, मेरा एक कर्तव्य बनता है, मैं आप लोगों से आप लोगों को सतर्क किया, आगे आप लोगों का मर्जी। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट कीजिए या फेसबुक मैसेंजर पर मेरे चेले से आप लोग पूछ सकते हैं। आज का वीडियो, आज का अनुष्ठान अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तस्।